मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि ये बेस टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करने के अलग अलग हमने वो मेथड देखे थे। अभी यहाँ पे हमने देखा कि अभी यहाँ तक आया था हमें लिक्विड ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क विल वी ड्रिंक इन टू 2 ईयर्स। अब रोज वो कितना है, मेबी लिक्विड ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे यानी हर रोज 12 लीटर 2 लीटर मिल्क ड्रिंक्स एवरी डे रोज पीता है, बराबर। तो हमें क्वेश्चन क्या, हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में कितना पिया होगा। तो ये हमने करा था, ये हमने समझो 300, अभी ये 2 ईयर्स, 2 ईयर्स फॉर 2 ईयर्स तो कितना आएगा, 2 × 12 और 24 लीटर कितना होगा, 24 लीटर। और फिर 24 और 1 ईयर, 1 ईयर हैज 365 days, so 2 years have 2 × 365 यानी कितना हुआ, 5 × 5 = 10, 0, 1 × 6 = 12 = 13, 1 × 3 = 6 और 1 = 7, 7 = 13 है ना, 7 = 13। तो हमें कितना 7 = 30 को 2 साल के दिन कितने होंगे, 7 = 30 और 7 = 30 को हमको कितने से कौन से इससे डिवाइड करना है, 7 × 30 × 24। अभी आप देखो यहाँ से हम करेंगे 400 4 × 3 = 12, 1 × 4 = 28 और 1 = 29, फिर प्लस 200 यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे, फिर यह 200 2 × 3 = 6 2 × 7 = 14 है ना, इतना वो कितना दूध पिएगा, इतना 17,530। और बेबी ड्यू वेयर ड्रिंक्स अराउंड 2000 लीटर ऑफ मिल्क अपने इन वन डे, जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, ए बेबी ब्लू हेयर ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन वन डे, इतना पीती है, जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 मिल्क, हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू हेयर ड्रिंक इन 8 मंथ्स। अभी 8 मंथ्स में वो 8 मंथ्स यानी कितना, 8 मंथ्स में हाउ मच मिल्क वुड बी द बेबी ब्लू हेयर ड्रिंक इन 8 मंथ्स, 1 मंथ में कितने 30 डेज, तो 8 मंथ्स में कितने होंगे 240 है ना, 240। फिर वो एक दिन में कितना पीती है, 200 लीटर, 240 × 200, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 2 × 0 = 2 जाए और 2 × 2 = 4 और ये 2 जीरो है ये हम इसे पीछे लगा देंगे, तो कितना हो गया 48,000 है ना, 8 मंथ्स में कितना पिएगी वो 48,000। करुण्या गॉट 3 फ्लिप्स, अभी उसने
कारुण्य बराबर उसने थ्री फील्ड्स क्या करी, खरीदी। तो अभी यहाँ पे एक है 227 मीटर उसकी लेंथ है और वाइड कितनी है 228 मीटर। फिर ए बी सी थ्री फील्ड्स थी उसने अलग अलग। अभी उसे क्या फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द थ्री फील्ड्स। अभी यहाँ पे हमने वो जो करा था, हमने हमारे पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि क्या सीखा था, एरिया निकालने का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। तो आपको याद होना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे अभी एक फील्ड है, इसकी लेंथ है 27 मीटर और ये ब्रिथ है 28 मीटर। अब ये कैसा रेक्टेंगल हो गया, ये ज्यादा है बराबर। तो एरिया ये ए वाला है ना, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए कितना होगा, उसका एरिया क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रिथ और फिर 227 इनटू 28 हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 एंड 28। हमने किस तरह से करा था, पहले 8 से तो 856 और फिर 8 टू 16 और 521 फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे 27 द 14 1 2 टू द 4 और 1 14 का 4 1 कैरी अभी हम 6 का 6 5 और 7 कितना आएगा 756 उसका एरिया आएगा। तो क्या पूछ रहे हैं, पहले इसका एरिया कितना है फील्ड का, एरिया ऑफ सी।
rectangular field equal to कितनी है इसकी 27 और 90 जो सी वाला है वो कितना है ये 27 मीटर है और ये 90 मीटर है तो क्या करेंगे एल इंटू डी और क्या आएगा 27 इंटू 90
वन टू टू, वन थ्री थ्री, वन फोर फोर, ठीक। यहाँ पे दो जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे फिर एक जीरो, वन टू टू, वन थ्री थ्री, और यहाँ पे टू थ्री फोर, फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी। फाइव हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज। इस तरह से हम सी का करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है? 513। और उसकी वन स्क्वायर मीटर की क्या है? 120। तो 530 इंटू 120, ये पहले तो सब क्या आएंगे? जीरो ही आएंगे, पहले आएंगे, फिर यहाँ पे टू वन दर टू और टू फाइव दर टेन, फिर दो जीरो लगेंगे, वन थ्री थ्री, वन 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 और वन फाइव फाइव, सिक्स फाइव वन और सिक्स, सिक्स था सिक्सटी वन थाउजेंड और फाइव हंड्रेड सिक्सटी। यह हम फिर से करेंगे सेकंड बी वाला, थोड़ा सा मुझे इसमें पॉइंट लग रहा है। 332 इंटू 110। तो इस तरह से हमारा ये तीनों फिट का आंसर आ गया। अब यहां पे इस तरह से ये हमें सब प्रॉब्लम कर देंगे इसमें के। अभी यहाँ पे वन विथ मल्टीप्लीकेशन के साथ वन, देखो नाइन का इस तरह से दिया है, नाइन वन प्लस नाइन जीरो के नाइन ही आएगा, फिर नाइन वन का वन और टू उसमें मिलाएंगे तो इलेवन आएगा, फिर थ्री इलेवन, वन वन हंड्रेड, इस तरह से। अभी ट्रिक्स विथ यू,
एज. यहाँ पे हम अभी गोइंग राउंड एंड या पे मल्टीप्लिकेशन वाले हमको हम इसमें पर या पे हम डिवाइड करेंगे है ना. यहाँ पे पेज नंबर 180 हम डिवाइड अभी सीखेंगे. कितने हैं उसके पास 1000 रुपीज है उसके पास. अब वो एक वन
by 47. और फिर 1000 को हम 47 से डिवाइड करेंगे तो देखो 47 पूरा कितना होता है 94 होता है तो हम 94 ले लिए आगे यहाँ पे 10 दिया हमने 10 में से 4 6 है ना ये 0 यहाँ पे ले लेंगे फिर कितना आएगा 41 7 बंदा 47 अभी 60 रुपीज बचे थे फिर ये 0 हमने नीचे लिया ये 10 लिया तो उसके पास कितना लीटर वो पेट्रोल भरा पाएगी 1000 में तो 21 लीटर और उसके पास कितने बचेंगे 30 रुपीज उसके पास लेफ्ट रहेंगे उसके पास तो यहाँ पे क्या पूछा है ईशा कैन बाय 21 लीटर्स ऑफ पेट्रोल है ना ईशा इफ ईशा कम्स टू यूनिवर्सिटी हाउ मच पेट्रोल कैन सी बाय विद द सेम मनी तो अलग अलग यहाँ पे अलग अलग भाव होते हैं ना तो यहाँ पे कितना अभी तो बहुत सारा बढ़ गया है तो हमारे यहाँ पे कितना तो हम उससे कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पे हमने डिवाइड किया जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम हाँ वर्कबुक में भी देखेंगे बराबर तो यहाँ पे हमारा क्या होता है ये चैप्टर कंप्लीट होता है इसमें क्या सीखा हमने ये चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन करना और डिवाइड करना तो ये चैप्टर अभी आपको इसको पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपको वर्कबुक में कुछ सम वर्कबुक में करने कुछ सम नोटबुक में करने तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है थैंक यू